दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट करे, हर कोई आपको इज्जत करे, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो है खुद की वैल्यू बढ़ाना। अगर आप खुद वैल्यूलेस रहते हो, तब कोई भी आपका इज्जत नहीं करेगा, कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो आपको खुद की वैल्यू अवश्य बढ़ानी चाहिए। तो मैं आज आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, और इससे आपको सभी लोग रेस्पेक्ट करेंगे और प्यार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है कम बोलना। दोस्तों, बातें हर कोई करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बात बोलने वाले इंसान को लोग ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं करते। आप खुद की सराउंडिंग में देख लो, कोई भी हो जो बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या आप खुद रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हो? नहीं ना। ऐसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा बात करोगे, ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा, तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब ज़रूरत के मुताबिक बात हर कोई कर लेता है, लेकिन आपको ये करना है, ज़रूरत से भी कम बोलना है। ध्यान से सुनिए, ज़रूरत से भी कम बोलना है। अगर आप ये कर पाओगे, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट यू, सब आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। एक बात समझ लो, जैसे चिट्ठी में बहुत सारे बातें लिखे होते हैं और टेलीग्राम में बिल्कुल गिने चुने शब्द, तो किसकी रेस्पेक्ट ज़्यादा है? टेलीग्राम की ना। तो अगर आप बात कम करोगे तो आपके हर एक बात की वैल्यू होगी। आप कम बात करोगे तो आपके हर एक बात के साथ साथ आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो दूसरा पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करना। दोस्तों, आपकी जो ड्रेस है, आपकी जो पहनावा है, तो वो अगर सही ना हो तो कोई भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आपको हमेशा अपनी ड्रेसिंग सेंस के प्रति ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। कौन से कपड़े में आपको सूट करता है, कौन से कपड़े में आपको सुंदर स्मार्ट दिखता है, ये आपको चुनना होगा अच्छे से। नहीं तो आपको कोई रेस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखेगी। अगर आप कोई भी एक ड्रेस उठा के पहन ले तो जो आप पे सूट नहीं करता है, जो कलर आप पे अच्छा नहीं लगता है, तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, अपनी ड्रेसिंग सेंस की ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना। जो कपड़े आपको अच्छा लगे, जो कपड़े पहनने में आप स्मार्ट दिखते हो, वही कपड़ा हमेशा चुनना। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है, अगर किसी आप ए फ्रेंड के ग्रुप में हो या कहीं भी हो, घर में हो, फैमिली में हो, कहीं भी हो, अगर कोई आप पे मजाक उड़ाता है या आपको कुछ गलत बोलता है मजाक में ही, तो वो टाइम आप तुरंत उसका प्रोटेस्ट करो। या तो आप उसका जवाब दो, झगड़ा नहीं करना है, या आप उसका अच्छे से जवाब दो ताकि वो दोबारा ना बोले, या फिर प्रोटेस्ट करो कि इस टाइप की बातें मुझे नहीं पसंद है, आइंदा से मत बोलना। ये करने से सबको पता चलेगा कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही हाई है, और ऐसा करने से लोग भी आपको रेस्पेक्ट करेगा। आप अगर खुद को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद पे ही आप हंसोगे या फिर जोकर बन जाता है, कोई कोई कुछ भी उलझुल बोल देता है और हंसने लग जाते हैं, तो ऐसा अगर आप करोगे तो आप रेस्पेक्ट की उम्मीद ही मत करो। कोई भी नहीं करेगा, सब बोलेगा वो आ गया जोकर, सामने नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि अभी देखो ये हंसाने लगेगा। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर अलग बात है, आप कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक थोड़ा बहुत बोल के हंसा सकते हो। उस सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोगों को भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर और जोकर दोनों में बहुत अंतर है, इसको आप समझना। और आपको कोई गलत बोले तो तुरंत ही आप उसको मना या प्रोटेस्ट करना। तो चौथी जो पॉइंट है दोस्तों वो है ना बोलने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, कोई कोई इंसान होता है दिल के बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो किसी को ना नहीं कह सकते। उसको लगता है मैं ना बोलूँगी या बोलूँगा तो सामने वाला हार्ट हो जाएगा, उसको दिक्कत होगा, तो ऐसे लोग ना नहीं बोल पाते हैं। तो इसको आपको समझना होगा। आप अगर लोगों की हर बात, हर हुक्म तामील करोगे तो आपको लोग रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझेगा। तो ये आपको समझना है, ना बोलने की जो कला है ये आपको सीखना है। अब ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोले आप हर बात में उसको ना करते रहो, ऐसी बात नहीं। ना उसी को बोलना है जब आपका कोई काम, आपको लग रहा है कि मुझे ये काम अभी इम्पोर्टेंट, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई बोला कि
आपके फैमिली मेम्बर ही चलो दूध ला दो या फिर कोई पड़ोसी बोला कि ये काम कर दो, आप तुरंत करने लग जाए तो नहीं, उसको बोलो नहीं अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाद में करता हूँ, या फिर आप दूसरे किसी से करवा लो। ऐसे करके आपको खुद की वैल्यू समझनी है। अगर आप कोई भी कुछ भी बोले आप तुरंत वो करने लग जाओगे तो आपको कोई भी नहीं रिस्पेक्ट देगा। और जो पांचवी पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, ये ध्यान से सुनना, ये है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। कोई भी काम में आप फोकस करो, उसको आप अपना पेशा बनाओ, उससे आप इनकम करो। ये लड़की हो या लड़का हो, मैं सबके लिए बोलूँगी, अगर आप पैसा इनकम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका इज्जत हो जाता है। कोई भी अगर बोझ बन के रहता है, वो कितना भी प्यार करने वाला इंसान हो, एक टाइम के बाद लगता है ये तो मेरे पैसे पे पल रहा है। ये दिमाग में पूरा अपने जहन में बिठा लो, खुद का मिनिमम इनकम आपको होना ही चाहिए। वो आप एक लड़की सुन रहे हो या आप एक हाउसवाइफ हो सुन रहे हो या फिर कोई भी हो, किसी भी इंसान का खुद की, कम से कम खुद की पालन पोषण करने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। इतना अगर आप कर लोगे, आपका रिस्पेक्ट दूसरों के नज़र में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो खुद की फाइनेंशियल जो इनकम है, फाइनेंशियल जो अवस्था है, उसको बहुत ज़्यादा आप अच्छा करने के सोचो, तो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना जिसको बोलता है, वो सबको करनी चाहिए। अपनी रिस्पेक्ट अगर करते हो तो ये ज़रूर करो, सभी आपको प्यार करेंगे, सभी आपको इज्जत करेंगे। और बाकी जो मैंने चार पॉइंट बोला वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पांच पॉइंट आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा और असम्मान नहीं करेगा, सब आपको रेस्पेक्ट देगा, सब आपको सम्मान करेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मैं ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। अगर सारी चाहिए आपको और सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।